देख रहे हैं, मैं गाड़ी में जा रही हूँ और आज का टूर स्पॉन्सर किया है इन्होंने, जो कि रिसेंटली अमीर हुए हैं, मिस्टर वाहिद अली, और इनकी कार है और साथ में मेरे कुछ कजन्स। अस्सलामुअलैकुम। लोगों के आगे शूट करना अब भी मेरे लिए बहुत मसला होता है। पहली बात ये कि मुझे मना करते हैं, ठीक है, कि सबको ना पता चले कि तुम वीडियोस बनाती हो, और दूसरा ये मुझे ख़ुद भी अजीब लगता है, लाइक कोई बड़ा आगे से गुजर रहा हो या कोई जानने वाला हो। तो खैर, मैं इस वक्त कराकुरम हाईवे के पास बैठी हुई हूँ, ठीक है। अभी डिसाइड नहीं हो रहा कि बाइक पर हम जा रहे हैं या गाड़ी पर। लोग लगा रहे हैं ताकि थोड़े चिट्टे हो, फेयर एंड लवली। देखिए, आपकी अपनी दुकान हो तो ये मज़े होते हैं, आप जो चाहे खा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो। ये मेरे फेवरेट हैं, और ये एक ले लेती हूँ। तुझे एक जिगमिश्ट लगी जुंगलाएदा लेके जा रही हूँ, ये सारे रुपए नहीं देती वे। और ये है हमारी आज की राइड, और हम जा रहे हैं इसमें। ये मेरे कजन्स। ओके मम्मा शोभिया माँ। केएच के ऑपोजिट साइड पे जो आपको रूट्स नज़र आ रही है ना, ये ओल्ड सिल्क रूट है। ओल्ड सिल्क रूट आपको पता होगा कौन सी सेंचुरीज, लाइक पिछली सेंचुरीज में 13-14 और उससे भी पहले जो है चाइनीज़ जो ट्रेडर्स थे वो इन्हीं रूट्स को लेके आते थे चाइना, वहाँ से सामान लेके फिर यूरोप में। नहीं, अभी ट्राईपोर्ट पे सेट किया, वेट अ सेकंड, ठीक है, मैं आपको पहले बताती हूँ। हम मौजूद हैं नासिराबाद में, ये व्यू के लिए बनाया गया अलग से साइड पे, ठीक है। वो आपको अभी नज़र आ रहा होगा, लेट मी सी, नज़र आ रहा है, हाँ, ये है दीरान पीक, ठीक है, जो कि है नेगर वैली में। ये पूरा नेगर वैली है, इस साइड पे हंसा वैली है, ठीक है। ये यहाँ पे ग्राउंड पिसन का नेचुरल ग्राउंड है, उसके बाद यहीं पर मियाचर कहीं पर है, ये मिनापिन है, और ये जो आगे है इस जहाँ पे इससे पानी आ रहा है, यहाँ पे मिनापिन डैम है। फिर उसके बाद तगाफरी इस साइड पे है, जो कि राकापोशी का बेस है, और ये नीचे आपका हुंजा नगर हुंजा रिवर आ रहा है। और पहुंच गए अलियाबाद बाज़ार, चेक करें, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, ठीक है, हर तरह की शॉप्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको बैंकिंग का सारा काम करने को मिलेगा, एटीएम सर्विस यहाँ पे है, और ड्राई फ्रूट की शॉप्स हैं। उसके अलावा आप लोगों ने अगर कहीं की बुकिंग्स करानी हो, लाइक इस्लामाबाद जाना हो, तब यहाँ से आप करा सकते हैं। और क्या होता है, नेटको आखिरी अड्डा हम चाहिए, नेटको का लास्ट स्टॉप ये है, और यहाँ से आके क्यों यहीं तक आता है। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं, डीसी ऑफिस, डीसी हाउस, डिग्री कॉलेज, ये सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। गणेश ब्रिज, ठीक है, और यहाँ से इस साइड पे आप जाएंगे तो नगर खास आएगा, और इस साइड पे आप जाएंगे तो आप पहुँचेंगे अताबाद एंड और वो देखें, ये ऊपर आपको जो टॉप पे नज़र आ रहा है ये है अल्तित फोर्ट, ठीक है, और लेडी फिंगर भी थी वो ऊपर है उस साइड पे, बादलों में छुपी भी है थोड़ी वो
लेडी फिंगर एंड अभी हम मौजूद हैं डोम दास। असाबाद लेक कलर चेक करें। अच्छा ये दो कलर्स इस वजह से क्योंकि डिफरेंट जगहों से जो पानी आ रहा है ना वो इसमें मिक्स हो रहा है और वो गदला होता है इस वजह से ये पूरा और वो जो आपको सामने नज़र आया दैट इज़ लेक्सस हुंजा। ठीक है आपने उसको देखा होगा बहुत ज़बरदस्त वो होटल है और बहुत एक्सपेंसिव है इवन सरीना होटल से भी एक्सपेंसिव है एंड ये सारी नीचे फेरीज और जेट्स की पानी के अंदर दरख्त वगैरह तो ये पूरा गांव था जो कि डूबा हुआ है और बहुत लाइक डिस्ट्रक्शन हुई थी 2010 में। सामने नज़र आ रही है ये पहले KKH होता था कराकुरम हाईवे जो कि 2010 का जो फ्लड और डिस्ट्रक्शन हुई थी उसके बाद से वो ख़त्म करके फिर इस साइड पे बना दिया गया और अब यही जाता है पाक चाइना बॉर्डर तक उस पॉइंट पर जहाँ पर वेलकम किया जाएगा फसू और उर्दू में पसू बोलते हैं बट यहाँ के लोकल्स इसको पसू बोलते हैं और यहाँ से आपको वो नज़र आ रहा है पसू ग्लेशियर दैट इज़ 20.5 किलोमीटर लॉन्ग और 115 सिक्योर किलोमीटर पे स्प्रेड हुआ हुआ है और विजिबल पीक्स पता नहीं क्या क्या है। सबसे पहले जिसने क्लाइम किया था उसका नाम था कैप्टन शेर खान वाओ और बस खैर इतना काफ़ी है वो ग्लेशियर है ये कराकुरम हाईवे एंड यहाँ से आपको वेलकम किया जा रहा है और वो बैक साइड पे सारे पशु कॉन्स को कॉन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखिए वो कॉनिकल शेप में होते हैं। ठीक है और पशु इस वजह से कि ये जगह है तो बहुत सिंपल सा नेम है एंड बहुत प्यारे हैं लाइक बाकी माउंटेन्स या पीक्स को आप देखें तो उनकी जो शेप है ना वो कतरे डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू दीज और यहाँ के तकरीबन की जो पीक है ना वो बिल्कुल क्या कहते हैं तिरछी है नोकीली टाइप। हम लोगों के वहाँ ड्राई भी हो चुके हैं और यहाँ अब तक फ्रेश है रिकॉर्ड्स वो देखें दरख्तों के ऊपर और ये लोग यहाँ पैसे सेल कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स हैं उसके अलावा हनी है। पहुँच गए हैं कहाँ पे सुस्त बाजार में और अब वी आर हेडिंग टू सुस्त ड्राई पोर्ट। We are at Silk Road Dry Port. और यहाँ पे पहले जो चाइना से माल आता था खुंजरा पास के थ्रू यहाँ पे आता था यहाँ पे चेकिंग हो के टैक्स एंड ड्यूटीज लगने के बाद पूरे पाकिस्तान पहुँचाया जाता था। यहाँ पे देखें एक एक्सीडेंट हुआ वी आर हेडिंग टू पाक चाइना बॉर्डर। साथ साथ यहाँ भी सिग्नल्स ख़त्म फिलहाल कोई सिग्नल नहीं आ रहे यहाँ पे
घंटा हो गया, ठीक है, बस ये पहाड़, ऐसा रोड और हल्की हल्की गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और हमें भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। वी आर एट दी, यहाँ पे चेकिंग करेंगे और खैर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई शिनाख्ती कार्ड है, पता चलेगा कि हम खुंजर आप जा सकते हैं यानी। और आपको मैं ये दिखाती हूँ हम किधर हैं, ये कहाँ पे, हाँ ये इस जगह पे। ओह माय गॉड, ये तो इतना दूर जा के वो है खुंजरा पॉइंट। कितना किलोमीटर है टोटल, 16 किलोमीटर। हम इस जगह पे और वहाँ पे हमें क्या नजर आया है, रुको, ये जो सामने है ना मेरी फिंगर की दे, ये जगह, इस जगह पे ना बहुत ज्यादा मारखोर होगा या आइबेक्स होंगे, ठीक है। हुसैन ये चेक करो रोड, यालो यालो यालो। राइट नाउ वी आर एट खुंजराब सर एक, ठीक है। ये पूरा ये चेक करें बॉर्डर, और उस साइड पे किर्गिस्तान है, देन इस साइड पे ताजिकिस्तान है, और यहाँ पे जो है चाइना का प्रोविंस शिनचियांग है, ठीक है, इस साइड पे है। एंड ये हमारा पाकिस्तान की साइड जहाँ से हम आए। 360 पे व्यू चेक कर रहा हूँ, ये देखें। सोस ड्राइव पोर्ट से यहाँ पे हमें लगा यहाँ तक 2 घंटे। साइड पे आपको दिखाऊंगी वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम, दैट इज़ इन पाकिस्तान यहाँ पे, और ये सोलर पैनल्स लगे हुए वहाँ पे, पाक चाइना कम्युनिकेशन सेंटर है। एंड वहाँ पे क्यों नहीं जाने दें मुझे नहीं पता, मैंने देखे टूरिस्ट वहाँ तक जाते हैं, अभी ये बंद है। बाकी क्या है यहाँ पे, ये बंद है, लेट्स सी। ओके, हम आपको दिखा रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम। हम बैठे हैं याक पे, लिटरली मज़ा आ रहा है। आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग कि मैं याक के ऊपर बैठूँगी वो भी यहाँ पे खुंजराब पाकिस्तान एंड चाइनीज़ बॉर्डर के पे। याक जिसमें मैंने अभी राइड की, एंड अच्छा राइड पिक्चर लेने के 200 है और राइड का आई गेस 500 समथिंग है, बट इन्होंने मुझे राइड फ्री में दिलाई। एंड बस देख लें हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग कितने अच्छे होते हैं, फ्री राइड, उसमें बहुत सारी मेरी पिक्चर्स ली। एंड अभी हम जगह घूमेंगे और पिक्चर्स लेंगे, अच्छी जगह यार, कसम से आप लोग को आना चाहिए यार, घूमना पता है बहुत ज़रूरी होता है। एंड मुझे पता नहीं, सबको वैसे बहुत खुशी होती घूम फिर के, बट सुकून मिलता है जब मैं आती हूँ और खुश होती हूँ कि लाइक अल्लाह ताला ने ऐसी ज़िंदगी दी है जिसमें मैं घूम सकती हूँ। बेशक बहुत मसले हैं यार, गिलगिती और एक लड़की होना बहुत मसले हैं,
वो भी ख़ास करके निगर की शिया फैमिली से बहुत मसले होते हैं, उसके बावजूद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हिम्मत करके जैसे भी करके मिनते तरले करके मैं आ जाती हूँ, कहीं ना कहीं आ जाती हूँ। और बहुत बीच में लड़ाइयाँ होती हैं रास्ते में, इतनी जगहों पे बंदा ऐसे होता है कि क्यों आ गए, लेकिन यहाँ आके इतना सुकून मिल रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि बस मैं कहती हूँ छोड़ो सब, कोई बात नहीं जाना। ताशकंद तक, काशगर तक, लेकिन अब कोविड के बाद से ये बंद है और अब तक तकरीबन लाइक यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं होता, एंड इस वजह से बॉर्डर भी बंद है। वरना आप वहाँ देखते कि बॉर्डर के उस पास आपको चाइनीज़ भी मिलते हैं, लाइक वहाँ से भी आते हैं टूरिस्ट देखने, और यहाँ से हम लोग जाते थे, हैंड शेक करते थे, सारा कुछ, अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, यहाँ पर ना एक सीन है, लाइक अभी यहाँ पे आपको दूर दूर तक ना नहीं नज़र आएगा बर्फ़, वो सिर्फ ऊपर ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसी मंथ, अगर इसी मंथ में आप पहले आते, लाइक 2 साल पहले 3 साल पहले आते, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी तह नज़र आती बर्फ़ की, क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखो क्या हालात है। और अभी नेक्स्ट ईयर और उसके बाद जो है ये जो करीब करीब थोड़ी नज़र आ रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बनाती थी। सबसे पहले चीज़ ये कि ना आप लोग क्या बोलते हैं वो सूखी खुबानी रास्ते से ले आया करें, जिनको हाइट फोबिया होता है या पता नहीं और क्या क्या मसले होते हैं, वो यहाँ पे वो ले सकते हैं, ठीक रहते हैं, चक्कर आते हैं, क्या होता है सर में दर्द होता है उसके लिए। उसके अलावा यहाँ पे जैकेट्स लाजमी ले आया करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ठंड है। मुझे इतनी नहीं लग रही पता नहीं क्यों, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती होती है, खैर नहीं लग रही है, वो लेके आया करें। एंड और खाने की चीज़ें लेके आया करें, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा जहाँ पे कुछ खाने को मिले, और अगर मिले भी तो एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए नीचे काफ़ी वो जो सस्त है वहाँ पे मार्केट है, वहाँ से आप ला सकते हैं। और फ्यूल बहुत ज़्यादा इसमें अपनी कार में भरवा लिया करें, क्यों, क्योंकि हाइट पे पता नहीं क्या मसले होते हैं कि फ्यूल सारा फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। और एज सच कुछ भी नहीं है, बस आएँ इंजॉय करें एंड बहुत सारी पिक्चर्स लें, दुनिया को दिखाएँ, और प्लीज़ कचरा मत फेंका करें, बहुत गंदा मचाया होता है लोगों ने यहाँ आके। इतनी प्यारी जगह होती है हमारी, और जो आते हैं, ये नहीं कह रही कि सिर्फ टूरिस्ट या फॉरेनर्स आके ये हाल करते हैं, हमारे अपने लोग ज़्यादा जाहिल होते हैं, अपने लोग मतलब मेरे कज़न भी, इन्होंने अभी भी गाड़ी से ना बाहर फेंका था, तो मैंने इनसे लड़ाई की थी।